सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज है 6 अप्रैल, गुरुवार का दिन, चैत्र माह की पूर्णिमा, और आज है हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे सब कुछ, हमारे प्रिय बजरंग बली का जन्म उत्सव। दोस्तों आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन से ज़्यादा प्रभु, हमारे आराध्य के जन्मदिन की राह देखता हूँ, क्योंकि ये दिन मेरे लिए एक उत्सव के जैसा होता है। दिन ब दिन भक्ति दृढ़ होती जा रही है, प्लस आप सभी से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलता रहता है। तो कहते हैं ना, आपको कैसा फील हो रहा है आज हमारे प्रभु के जन्म उत्सव पर, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आज तो कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा तो हो जाना ही चाहिए, पूरे यूट्यूब में गूंजना चाहिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत। कुछ ही देर में आपको हमारे लाइक प्रभु के दर्शन भी कराऊंगा, मंदिर में कुछ चीज़ें बाकी है, मैं आपको डेफिनेटली दर्शन कराना चाहूंगा, और प्लीज़ 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 आप भी दर्शन करिएगा। आज मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, सारे भक्तों को हमारे प्रिय, हमारे आराध्य हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बरसाते रहें, बस यही प्रार्थना है मेरी। उनका ख्याल रखें प्रभु, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों बस आपकी भक्ति दृढ़ रखिए, विश्वास रखिए प्रभु पर, वे आपके साथ है 24/7। दोस्तों आज बहुत अच्छा दिन है, और कुछ ही दिन पहले रामनवमी का दिन था, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भी जन्मदिवस गया, उसके पहले नवरात्र शुरू थी। ऐसा समझो कि हमारे सनातन धर्म में हर परिवार में तो कहते ना कि एक सेलिब्रेशन हो रहा है, नवरात्रि का सेलिब्रेशन, रामनवमी का सेलिब्रेशन, आज हमारे प्रभु हनुमान जी का जन्म उत्सव है उसका सेलिब्रेशन। तो कहते हैं ना कि पार्टी वार्टी छोड़ो, प्रभु का जन्मदिवस मनाओ, प्रभु को रिझाओ, नाम जप करो, जितना हो सके आप प्रभु के नाम का जाप करते रहें। और कुछ ही देर में आपको पता है आज 2 बजे सीक्रेट मिस्ट्री चैनल, हमारे जो मेन चैनल है जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है, उस पर समूह हनुमान चालीसा भी है, तो आप जरूर जुड़िएगा। दोस्तों अभी कुछ देर बाकी है, तब तक कुछ पूजा पाठ की लाइक चीज़ें बाकी है, मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा हमारे आराध्य के। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना मैं कहता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ दोस्तों, यश फिलहाल स्कूल गया है, आज उसे हॉलीडे नहीं है। जैसे ही वो स्कूल से आता है, उसने कुछ सरप्राइज रखी है। क्या रखी है, किन के लिए रखी है, वो जब स्कूल से आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए दोस्तों, ठीक है। हनुमान सीताराम, 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 हनुमान। दोस्तों ये हमारे घर में है राम दरबार, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी, और नीचे प्रभु श्री राम के चरणों में विराजते हैं हनुमान जी। तो आज हम अभिषेक भी करेंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सियाराम, जय रघुनंदन जय सियाराम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पंजन हनुमान जी महाराज नी जय। जय कपि बड़वंता प्रभु, जय कपि बड़वंता, सुन नर मुनि वन वंदित, सुनि नर मुनि जन वंचित, रत हनुमंता। जय कपि बड़वंता, भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जम्पे, प्रभु पीड़ित नहीं जम्पे, हनुमत हाक सुनीने, हनुमत हाक सुनीने, थर 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 कंपे। जय कपि बड़वंता। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने दर्शन किए और प्रभु के दर्शन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ही देर में अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ हनुमान चालीसा जो समूह में होने वाली है, समूह हनुमान चालीसा लाइव मेरी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज में, वो भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में, सेशन कैसा रहेगा वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5:30 और दोस्तों दोपहर का आज 2 बजे जो सेशन था हमारी मेन चैनल में अद्भुत था। आज कितने भक्त जुड़े हमारे लाइव सेशन में, समूह हनुमान चालीसा में प्रभु के नाम का गुणगान किया सभी लोगों ने। और यश बेटा भी हमारा आ गया है स्कूल से, और आप सभी को बताया मैंने पहले क्या कहा था और पिछले व्लॉग में भी क्या कहा था कि यश आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी का बर्थडे है। तो यश ने कुछ तैयारी की है, क्या की है यश? मैंने अब तक किसी को कुछ बताया नहीं है, मैंने टॉप सीक्रेट रखा है क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी की है और यश पहली बार ये करने वाला है। तो प्लीज़ सारे भक्त ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यश एग्जैक्टली क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है। और पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कैसा लगा। ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो 1 2 3 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु, देख बिचारो कौन सु संकट मोर, गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो कौन ही जानत है, जग में कभी संकट मो जन नाम तिहारो। क्या बात है, जय श्री राम। दोस्तों कैसा लगा आज हनुमान जी के लिए कुछ पंक्तियाँ इन्हें मेमोराइज की थी, और मुझे पता भी नहीं था, पता है आपको, कि यश को ये आता है। मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ और ये पंक्तियाँ मैंने काफ़ी बार दोहराई अपनी रील्स वगैरह में। तो एक दिन मैं हनुमान अष्टक पढ़ रहा था और उसमें ये पंक्तियाँ आई, ये लास्ट पैराग्राफ है, काज किए बड़ देवन के तुम। तो यश ने मुझे बताया कि पापा मुझे ये आता है। मैं शौक हो गया, मैंने सोचा ये पाठ भी नहीं कर रहा है तो इसको कैसे आता है। उसने मुझे सुना के बताया और आई वॉज सो हैप्पी, मैं इतना खुश हो गया। देखो कौन आया। हेलो, हाय, कैसे सब लोग? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यश की आवाज आ रही थी, वो कुछ लोग बोल रहा था यश। उसने हनुमान अष्टक की कुछ पंक्तियां उसे याद थी और मुझे भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था, पता है। और उसने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने बताया। मम्मी भी वेट कर रही है, हेलो मम्मी, कैसे हो? जय श्री राम। आप आप है ना, सब मिलके सबको विश करो हनुमान जी के जन्मोत्सव की। आप सबको हनुमान जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हम सबकी तरफ से प्रभु की कृपा अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। और इसलिए आज सुबह से पूरा बिजी शेड्यूल था, डेकोरेशन करना था मंदिर में, बलून्स का पूजा हुई, सेशन था,
और यश की भी देर हम आपको पता है यश सारे ने भक्त पता है हाँ, वो बलून सब यश ने फुलाए, वो कितनी सब तैयारी यश ने सब फुलाए, यश क्योंकि यश को पता था कि सुबह उसकी स्कूल है तो रात को उसने सारे बलून में हवा भर के सब रेडी कर दिया था, बोला था पापा आप आगे का काम कर देना, तो उसकी तो उसने सब मतलब कल ही रेडी कर दिया था। तो अभी हम कुछ ही देर में सब मंदिर भी जाने वाले हैं और होप सो वहाँ पे अगर अरेंजमेंट होगी तो मैं आपको प्रभु के दर्शन भी कराऊंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आज है ना परी ने मुझे एक किस्सा सुनाया हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़ा, जो आप सभी से आज वो शेयर करना चाहती है। बहुत ही अच्छी मेमोरी है उसी उसकी हनुमान जी बचपन की है, क्या है वो बताओ। हाँ वो मतलब जब भी मैं यश के जीतनी थी मतलब उससे भी छोटी या उससे मतलब वैसा, तो हमारे स्कूल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, स्कूल का ग्राउंड था और उसके बीचों बीच बजरंग बली का एक छोटा सा मंदिर था। जब मतलब हम तीनों भाई बहन उधर जाया करते थे, हम तीनों और एक एक ही स्कूल में थे हम सब लोग तीनों। तो जब भी ये हनुमान जन्मोत्सव आता था ये दिन पूरा मतलब सब बच्चे हमारी सोसाइटी के सब बच्चे हम लोग उधर प्रसाद लेने जाते थे। तो आज मुझे वो प्रसाद की याद आ गई। हम लोग में मतलब कैसे गुजराती में गाठिया बोलते, वो गाठिया बूंदी और चने की सब्जी हुआ करती थी, जो ब्राउन चना रहता है उसकी सब्जी सूखी वाली, लेकिन वो मतलब और उसको वो खाने के लिए मतलब हम लोग इतना तरसते थे कि कभी ये हनुमान जन्मोत्सव आएगा और कभी हम लोग को ये खाना मिलेगा, मतलब ये प्रसाद मिलेगा। हम लोग तो हम लोग पागल थे और जैसे 11 बजते थे हम लोग सब निकल जाते थे प्रसाद लेने के लिए। तो अभी आज मुझे वो बचपन के दिन बहुत याद आ गए कि मतलब जब भी छोटे थे तो कितने पागल थे मतलब वो प्रसाद खाने के लिए, तो आज मुझे वो सब ये दिन याद आ गए। क्या बात है, लाइक होता है कई बार आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, हजारों रुपए के बिल भरो, मगर फिर भी प्रभु के प्रसाद का जो टेस्ट होता है वैसा टेस्ट दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मास्टर शेफ भी नहीं दे पाता। नहीं दे पाता, और थोड़ा हम लोग ज्यादा ले लेते थे ताकि थोड़ी देर के बाद भी हम लोग वो खा सके, ऐसे मतलब छोटे थे तो क्या मतलब कुछ समझ भी नहीं आता क्या करें, लेकिन वो खाने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। वो प्रसाद की टेस्ट ही अलग होती है, अगर वहाँ का मिष्ठान है वहाँ का वो मिठास ही अलग होती है। अगर आपने वो बूंदी खाई होगी वो बूंदी की मिठास वो बिल्कुल अलग होगी। तो कहते हैं ना कि वो प्रभु की जो मिठास आ जाए, जैसे हम सत्यनारायण पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान की, तब हम रवे शीरा बनाते हैं। अब कितना भी शीरा बना लो रेगुलर बेसिस पे, मगर उस दिन हम जो प्रसादी का शीरा होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। अब देवी माँ के कोई व्रत होते हैं उस दिन, अब हम छोटी छोटी लाइक गुड़ियाओं को बुलाते हैं उन मतलब नवरात्र के उस समय जब भोग लगाते हैं देवी माँ को, उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम जलाराम बापा है, ठीक है, वहाँ पे फेमस होता है खिचड़ी और कढ़ी। आप उनके मंदिर में जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, उन लोग मतलब क्या सेवा में लगे ही रहते हैं। हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या घर पे कितनी भी टेस्टी कढ़ी बनाने जाएं या खिचड़ी बनाने जाएं, मगर वो टाइप का टेस्ट वो वहीं पे आता है। तो ये प्रभु की महिमा है। ये हम लोग ने पता है ये सालमपुर में शीरा खाया था जो प्रसाद था, वो शीरा का टेस्ट आज भी हम लोग के मतलब मुंह में कि भाई कितना अच्छा था वो, एक नंबर। हम पिछले ही साल गए थे सालमपुर, मैंने वीडियोस जब बनाई थी ना तो उसी वक्त हम वहां पे थे और वहां पे भोजनालय में मिष्ठान होता है पूरे मतलब पूरी थाली में, तो वो अलग अलग होता है, कई बार शीरा होता है कई बार मोहन थाल होता है, तो उस दिन शीरा था और वो जो शुद्ध घी की महक और उन्होंने जो दिल से बनाया हुआ होता है ना, और वो जो टेस्ट होता है प्रभु का प्रसाद का वो अद्भुत होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपका किस्सा, बिल्कुल अद्भुत था। और हाँ दोस्तों, हनुमान जी का जन्मोत्सव है और मम्मी के स्वर में अगर हम कोई भजन ना सुने उसके बिना तो हमारा व्लॉग अधूरा है। और आज मेरी मम्मी को साथ देंगी भजन में हमारी धर्म पत्नी, तो दोनों के परिणीता वगैरह तो दोनों मिलके आज प्रभु को डेडिकेटेड करेंगी एक प्यारा सा भजन। तो शुरू करते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय
लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय श्री राम, जय कष्टभंजन देव ने। बहुत ही प्यारा भजन, और स्पेशली आज जन्मोत्सव के दिन आपने जो भजन गाया दोनों ने अपने मीठे मीठे स्वर में, दोस्तों भजन के लिए तो ठोक दो लायक। अभी परी अच्छा भजन गाती है तो अपनी सासू माँ के अंदर ट्रेन हो रही है। नहीं, अच्छा भजन अच्छा गाती है। और कमेंट में जरूर बताएगा कि प्रभु का ये भजन आपको कैसा लगा, कमेंट में, क्योंकि आपके भजन के बिना हमारा व्लॉग अधूरा है। तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा कैसा लगा। और अब कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं प्रभु के दर्शन करने, कोशिश करेंगे अगर वहां पे अरेंजमेंट होगी तो आप सभी को भी हम दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। दोस्तों मैं आ गया हूँ हनुमान जी के मंदिर में, आया हूँ घेला हनुमान जी महाराज जो बड़ताल में स्थित है। और देखो प्रभु के लिए हमने क्या लिया है, प्रभु के लिया है गुड़, चना, तेल और सिंदूर। दोस्तों दादा के दर्शन हो गए, हम आए हैं घेला हनुमान जी बड़ताल। उम्मीद करता हूँ आपने भी दर्शन किए, दर्शन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को भी दबाए, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और जल्द ही देखो मेरे साथ कौन कौन आया, यश के फ्रेंड्स भी आए हैं, सब हम दर्शन साथ में किए हैं। पीछे ही मंदिर है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है इसलिए भीड़ भी है। तो जल्द ही हम आप सबसे मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, गुड बाय, 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 जय श्री राम।